नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल इवनिंग ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मंच पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। सुबह से बाहर गई हुई थी, मौसम भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा उमस है आज के मौसम में। तो बाहर जाने का कारण ये है कि घर में कुछ ना कुछ तो होती रहती है, खास करके तब जब पैसा ना हो। हमारा मोटर खराब हो चुका था तो 2 दिन हो गया पानी नीचे स्टोर करते हुए, लेकिन बिना मोटर के पानी भी नहीं आता है। यानी 2 बाल्टी पानी में घर का पोछा जो भी है, बच्चों का नहाना धोना सब कुछ, मतलब कपड़े वगैरह 2 बाल्टी पानी में कंप्लीट हो रहा था, बर्तन वगैरह। तो फाइनली आज मोटर लेने गए थे तो मोटर हम लेके आए। तो दोस्तों ये है मोटर, तो देखिए मुझे इतना तो नहीं पता कि कौन सी कंपनी का सही होता है, तो मुझे जो मिला मैंने वो ही मतलब उठा लिया। और ये है हमारा नया मोटर, इसका मतलब कटिंग वगैरह जो है सब कुछ करा लिया है हम लोगों ने। ये लगा हुआ नहीं होता है, इसे हमें अर्जेंट में लगाना है, तो इस वजह से ये सब कुछ मतलब अभी पैकिंग वगैरह करा के और ये लगा के ले आए, इसलिए बाहर खुला हुआ है। यानी कि प्लम्बर के पास गए थे, वहाँ पे ये दोनों चीज़ें कटा के लाए, बस प्लम्बर को बुला के और इसे सेट करना रह गया है। बस सेट होते ही ये कल सुबह चालू हो जाएगा और आज शाम को 6 बजे तक जो है ये लग जाएगा। तो देखिए, और इस मोटर का हमें पड़ा है 3,500 रुपये की कीमत है। पता नहीं कम है पैसा कि ज़्यादा है, लेकिन पैसा तो लग चुका है जो भी हो। और सुबह हमारा जो है टंकी में पानी चढ़ जाएगा और घर में भी आ जाएगा। और ये है छोटू महाराज, क्या चाहिए, मोटर चाहिए क्या? हाँ, तो मैं छोटू को लेके गई थी जब सोनू स्कूल चला गया था पीछे से, तो फाइनली आज के बाद पानी का थोड़ा सा समस्या कम हो जाएगा। सुबह निकली थी, आते आते शाम हो गया और इस वजह से सारे दिन बाद में आके जैसे रोटी खाते हैं ना, तो ऐसे एक उबाक सा मतलब उल्टी सा फील होता है। ऐसा लगता है कि उल्टी कर ही दे तो सही रहता, लेकिन उल्टी सीरियसली होती नहीं है। और छोटू भी देखिए बहुत ज़्यादा थक चुका है बेचारा, कह रही हूँ सो जा, सो नहीं रहा है। हम तो बड़े, हम तो नहीं सो पाते हैं क्योंकि मजबूरी है, काम है। अभी देखिए ये स्कूल का होमवर्क कर रहा है हमारा सोनू, और इसके पास अभी बहुत सारे कॉपियाँ रखी हुई है, इसे वो भी होमवर्क करना है, तो ये तो वैसे नहीं सो पाएगा, इसका तो वैसे सोना हराम हो चुका है। और रही बात मेरी, तो मुझे इनकी शाम के लिए भी मतलब स्नैक्स वगैरह तैयारी करनी है, और इसको कह रही हूँ सो जाए, इसके पास टाइम भी है और इसे को जगाएंगे भी नहीं, मैं भी चाहती हूँ सो जाए, लेकिन ये वैसे नहीं सोता है। मुझे नींद आ रही है, थकान हो रही है, तो मैं वैसे नहीं सो पा रही हूँ। तो दोस्तों अभी बज रही है शाम की 6:30 और देखिए थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे कामों को करने की कोशिश कर रही हूँ। ये है सोनू के इस साल की बुक, पता नहीं ये छोटे छोटे कैसे दिया, पिछले साल का जो बुक्स था ना वो अलग था और इस साल का जो बुक्स है इतने छोटे छोटे और देखिए कैसे अलग अलग है। तो सारे है ना बच्चे ले जाएंगे, पता नहीं कहाँ घुमाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कुछ तो समझ में नहीं आ रही मेरे को। तो ये है उसका बुक्स इस साल का, इतने छोटे छोटे आए हैं, मैं मतलब 1-2 पन्ने का पेज है जो पता नहीं कब घूम जाए कब क्या हो। और मेरी रिंग लाइट तो ख़राब होकर वहाँ पर रखी हुई है, उसको सुधराना पड़ेगा, तब तक ऐसे ही रहेगा। और देखिए फिलहाल मैंने एटची को जचा दिया है और बाकी ये एरिया भी बहुत जल्दी जचा दूंगी आज शाम तक। तो ये पिछले साल की कॉपी है, तो ये भी मतलब यहाँ रख देती हूँ, छोटू का काम आ जाएगा। वो है ना कॉपी वगैरह जैसे सोनू लेके पढ़ाई के लिए बैठता है तो वो भी मांगता है, तो फाइनली ये सोनू का पिछले साल का है तो ये छोटू का सेक्शन बन गया, और हमारा ये जो है ये सोनू का इस साल का है। तो यहाँ पे है ना चूहों की वजह से मेरा काम फैला हुआ है, तो देख सकते दोस्तों सोनू के ट्यूशन जाने से मैंने यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह निकाल लिया है। ये कपड़ों में एक्चुअली के इली वगैरह लग गए थे, बहुत दिन हो गया था इस वजह से, तो इनको मैंने धूप में डाल के सुखा लिया। तो दोनों भाई अगर एक साथ रहते तो उस टाइम तो काम नहीं हो पाता है, इसलिए उसके जाने के बाद में मतलब धूप में सुखा कर और अभी से ही कर रही हूँ, दोपहर को धूप में डाल दिया था। देख सकते हैं शाम का मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है, ना तो बरसात है ना ही गर्मी है, बस ठीक ठाक है। और अभी तक मतलब शाम के लिए मैंने उनके लिए निकाल लिया है यहाँ पे एक खीरा और ये आम, तो फ्रीज से निकला हुआ है, इसको थोड़ी देर मतलब बाहर रखूँगी, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद ही इसको काटूँगी। और हमारा छोटू यहाँ पर अकेला बेचारा पांडास के साथ खेल रहा है ना, छोटू भाई सब तो गया ट्यूशन और ये मेरे से बहुत ही ज़्यादा ही खफा है क्योंकि उसे ट्यूशन भेजती हूँ, उसे नहीं भेजती हूँ इसलिए। और देखिए बिस्तर का ये हालत है,
इन सारे जो कपड़े हैं ना इनको मैं पैक करके रख दूंगी, बाकी अभी ये सब मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फाइनली सारे सामानों को है ना बस डाल कर रखना है, और तो ये सारा जो है और बाहर जो रखी हुई है वो सारे कपड़े मुझे डालनी है बक्से के अंदर। और ये बक्सा मैं आज नहीं खोलूंगी, इसे कल ही खोलूंगी, क्योंकि आज शाम सारे चाय हो चुके हैं, एक नाश्ता बनाना है, बहुत सारे काम है। एक कंबल भी हल्के से निकाल लिया है। मैं एक्चुअली ये सब काम करती नहीं, ये सब काम जो है करे कराए कंप्लीट था, मैं है ना टांट पर रखी थी, आप देख पा रहे होंगे, अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ऊपर है ना बाल्टी के, देखिए ये चूहा काट के देखिए क्या हालत कर दिया है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा थोड़ा कटा हुआ है बाल्टी की, देखिए ये गुदरा, ये जो बोरी है वो कटा हुआ है। ऊपर मैंने पिंजरा रख दिया है लेकिन पिंजरे में चूहा पड़ता नहीं है, तो इसी वजह से ना चूहों की वजह से ऊपर कपड़े रख रखी थी, सारे कपड़ों को काट खाया, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कटाने से अच्छा है थोड़ा मेहनत कर लो। ऊपर देखिए पूरा टांड मैंने खाली कर दिया, जबकि ये भरी हुई थी बुरी तरह से, सारा सामान ये जो कपड़ा उपड़ा है ना ये सब टांड में रखा हुआ था, लेकिन ये चूहों की वजह से निकालना पड़ा। मेरे छोटू का है ना नया कपड़ा, इस टाइम तो कपड़ा लाने का मेरा हैसियत बिल्कुल ही नहीं है, बच्चे का एक जोड़ी नया कपड़ा था, वो कपड़ा उन मतलब चूहों ने काट खाया, तो इस वजह से ना सारे सामानों को जो नहीं चाहिए और जो नया है उनको, उन सब कपड़ों को मैं बेड में रखूंगी, लेकिन बेड में भी जगह नहीं, वहाँ पे भी कंबल उम्बल सब कुछ भरी हुई है। और ये जो कपड़े हैं ना ये सारे कपड़े मम्मी की है, यानी जो साड़ियाँ हैं आप देख पा रहे होंगे तो ये साड़ियाँ मम्मी की है, मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, मतलब लगभग नाक के बराबर पहनती हूँ, तो ये सारे कपड़े मम्मी की है, तो ये सब मेरे पास रख के गई है, तो फिर जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो फाइनली मुझे ये सारे कपड़ों को पैक उप करके ये जो बैग दिख रहा है इसमें रख दूंगी रात के लिए, और सुबह इनको उठा के रख दूंगी। और एक जो ये बाबू का यूनिफॉर्म है तो इसे भी मैंने निकाल लिया है पहनने के लिए। तो दोस्तों छोटू यहाँ पे सो रहे हैं और मैं यहाँ पे मेरा वाला तकिया लगा देती हूँ। देखिए इतनी गर्मी में है ना बाबू को गुदरे उड़ा दिया, मच्छर बहुत ज़्यादा है, और इसको छोड़ के मैं अभी जाने वाली हूँ सोनू को लाने, ज़्यादा दूर नहीं घर से बाहर, और कूलर चल रही है, देखिए साथ में पंखा भी चल रहा है, लेकिन मच्छर की वजह से मैंने उसे उड़ा दिया है। छोटे छोटे गुदरा आता है ना जो छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बनाया जाता है वो, और रखा है जो कि हमेशा नीचे बिछाती हूँ। और इसी के साथ है ना मैंने यहाँ पे ना देखिए ऑल आउट को उल्टा लगा रखा है, क्योंकि इसका तेल ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा तेल बचा हुआ है तो उल्टा कर दिया, इसे ये जल भी जाएगा, और मच्छर काफ़ी हद तक मतलब पहले से ठीक है, तभी ये सो रहा है, नहीं तो नहीं सो पाते। और देखिए यहाँ पे बाबू ने है ना मोतीचूर के लड्डू गिरा दिए थोड़ा सा, तो इस वजह से कीड़े कीड़े हो गई, तो चलिए सोनू को लेके आते हैं, क्योंकि सुबह 1 बज रही है अभी, तो सुबह 1 बजे बाबू आ जाता है, वो क्या है अभी वैन से नहीं उतर पाता, देखिए फाइनली आ चुका है। तो फाइनली हमारा सोनू आ चुका है, पैर ऊंचा करके क्यों चल रहे हो, क्या हुआ है, अरे कुत्तो बोलो वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, भग गए अंदर। और आपके लिए एक सरप्राइज है, एक्चुअली हम गए थे बाहर और ये जेरोक्स वगैरह कराने कुछ काम था, तो अभी कुछ सुबह गए हुए थे, जैसे सोनू स्कूल गया था उसके बाद में, तो काम वगैरह सारा वैसे ही है, कुछ भी नहीं कर पाए। आप कपड़े खोलो पहले, पैंट और कपड़े, तो ज़्यादा नहीं पाव भर बच्चों के लिए, मतलब जितना वो होता है ना पाव भर मोतीचूर के लड्डू लाए थे, तो पाव भर लड्डू में 4 ही लड्डू चले थे, जिसमें से एक छोटू खाया, एक मैंने खाई और सोनू के लिए रख दिया, तो सोनू आ गया तो चलिए उसे भी दे देती हूँ, खा लेगा, क्योंकि अभी ये भी बस आने के बाद में खिचड़ी बनाई है और छोटू सो गया, वो थक चुका था, बस ये है लड्डू लो पैंट खोलो पहले, पैंट खोल के फिर खाओ, पंखा चलाओ। तो ये बाबू के लिए 2 लड्डू रखी थी, जिस काम के लिए हम गए थे ना वो काम हुआ नहीं, एक्चुअली आसपास में फोटोकॉपी जीरोक्स वगैरह की दुकान नहीं है, तो पैदल पैदल चले गए थे बहुत दूर तक, और दिन तो ओला वगैरह करके जाते हैं, आज इसलिए गई थी पैदल, मेरे को पैसा लग जाएगा, तो पैसा है नहीं हाथ में, तो पैदल चल जाती हूँ थोड़ा बहुत सही रहेगा, क्या करो, आप बच्चा छोटू है तो लेके गई आई ना, वो थक गया बहुत बुरी तरह से, सो गया, थक तो मैं भी गई,
नींद आ रही है, लेकिन करूं क्या। अभी सोनू को खाना खिलाना है, ड्रेस चेंज करना है, कपड़े धोना है, नहाना है, बहुत सारे काम पड़े हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।